तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप जरा टक में कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम अपने WS में चला सकते हैं WS स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन को बिना किसी लैग के। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हमें एमवी पैराडाइज से फाइल मिलती है स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन की, उसमें कहीं वायरस तो नहीं है, उससे हमारा एंड्रॉयड डिवाइस जो है ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मैं आपके सभी कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर कर दूंगा स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन को लेके कि आपको वो डाउनलोड करनी चाहिए या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इसे डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं। तो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तो कमेंट्स आने बहुत कम हो गए हैं, तो प्लीज़ नीचे जाइए और कमेंट से भर दीजिए कमेंट बॉक्स को। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि जो हमें एमवी पैराडाइज से फाइल्स मिलती हैं वो जो हम डाउनलोड करते हैं उनमें कोई वायरस तो नहीं होता, जो मैंने स्मैकडाउन पेन की फाइल किया उसमें कोई वायरस तो नहीं है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई भी वायरस नहीं होता। तो जो हमें फाइल्स मिलती हैं सबसे पहले स्कैन होकर आती हैं, उसके बाद ये जाके साइट पर अपलोड होती हैं। तो मुझे एक कमेंट आया था जिसमें लिखा गया था कि भाई इस फाइल के कारण, मतलब कि स्मैकडाउन पेन की फाइल के कारण मेरा जो मोबाइल है वो हैंग होना शुरू हो गया। तो भाई अगर आपके इंटरनल स्टोरेज में जगह नहीं होगी और उसमें आप फिर से 4 GB की फाइल जो है डाल देंगे तो आपका जो मोबाइल है वो हैंग तो ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल पे आप लोड करे जाएंगे तो आपका मोबाइल जो है कभी रुकेगा ही नहीं। तो दोस्तों मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि जो वीडियो है इसमें मैं ये नहीं बताऊँगा कि कैसे आप इंस्टॉल करें अपने एंड्रॉयड डिवाइस में स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन को। दोस्तों मैं सिर्फ आपको स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन का गेम प्ले दिखाऊँगा और उसके बाद आपको खुद जज करना होगा कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन को इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं अपनी अकलमंदी के साथ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं हूँ अपने एंड्रॉयड डिवाइस में और मैं आज चलता हूँ अपने फाइल मैनेजर में और मैं अपनी फ़ोन स्टोरेज में गया। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रही होगी smackpain.iso, ये कुछ 4.21 GB की फाइल है, ISO फाइल है। तो देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, ये पूरी ISO फाइल है जो हमें पूरी मिलती है एक्सट्रैक्ट होने के बाद। और उसके बाद मैंने प्ले एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे ओपन करूँगा। तो ओपन करने के बाद मेरे सामने स्मैकडाउन हेयर कम्स द पेन का आइकन बना आ गया। तो दोस्तों अब हम अपना टाइम नोट कर लेते हैं कि कितने टाइम हुआ है अभी। तो देखिए 11:42 हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारी गेम जो है कितनी देर में लोड होती है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो गेम है कितनी देर में, मतलब कि होम स्क्रीन पर जाती है। और दोस्तों मैं एक और बात कह दूँ कि मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊँगा, यहाँ से लेकर होम स्क्रीन तक का जो भी हम मतलब कि वीडियो बनाएंगे मैं आपको फास्ट करके दिखाऊंगा वीडियो, क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो दिखाने लगा तो कम से कम ये वीडियो 10 मिनट की बनेगी, 10 से भी ऊपर जाएगी ये वीडियो। तो मैं आपको साइड में लिख दूंगा कि मैं ये वीडियो जो है फास्ट करने लगा हूँ और मैं साइड में स्पीड भी लिख दूंगा कि मैंने इस वीडियो की स्पीड कितनी बढ़ाई है। तो जो हमारी गेम वो लोड होनी शुरू हो गई है, तो देखते हैं कितनी देर में ये अपनी स्क्रीन पर पहुँचती है। दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया जो गेम है वो मतलब कि स्क्रीन होम स्क्रीन पे आ चुकी है, जहाँ पर हमें एग्जीबिशन क्रिएट सीजन ऑप्शन और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों देखिए ये हमारी होम स्क्रीन पे आ चुकी है, अभी ये पूरी तरह से लोड नहीं हुई है और आप देख सकते हैं कि जो ये गेम है कितनी स्लो चल रही है। तो देखिए अभी मतलब कि गोल्डबर्ग का एक्शन भी पूरा नहीं हुआ है और ये जो गेम है बहुत स्लो चल रही है। जो हमने गेम शुरू की थी वो था 11:42 का टाइम और जो अप टाइम हो चुका है वो है 11:48, मतलब कि इतनी टाइम इसने लोड होने में लिया है। तो मैं सबसे पहले इस एप्लीकेशन को बंद करता हूँ और इससे बैक आ जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया जो ये गेम थी इसने लोड होने में मतलब कि 7 मिनट ले लिए। तो अब हम क्या खेलेंगे इस गेम में, क्योंकि आपने देखा था जो लैग था वो कितना आ रहा था। दोस्तों मैं अब आपको इसकी मेन वजह बताता हूँ, मतलब कि मेन जड़ बताता हूँ कि क्यों नहीं चल पा रही है गेम हमारे एंड्रॉयड डिवाइस में। दोस्तों आपने सबसे पहले देखा होगा हमारे ऊपर जो एक FPS था, मतलब कि जहाँ पर लिखा हुआ था, जहाँ पर बार बार कभी 1 हो जाता, कभी 2, कभी 12, कभी 68, वहाँ पर लिखा हुआ था 1F/S। तो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था FPS, मतलब कि आपकी जो गेम है वो कितनी स्मूथली चलेगी वो आपका FPS डिसाइड करेगा। तो ऐसा
ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी रैम अच्छी है और आपका प्रोसेसर अच्छा है तो आपको एंड्रॉयड एस में हर गेम चलेगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई मोबाइल ऐसे भी होते हैं जिनकी रैम भी अच्छी होती है और उनके प्रोसेसर भी अच्छे हों, लेकिन उनमें PS2 की गेम्स नहीं चल सकती। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन से एंड्रॉयड एस में गेम चलेगी, लेकिन जो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, रेडमी हो गया, वीवो हो गया और ओप्पो हो गया, ऐसे बहुत से ऐसे स्मार्टफोन्स आते हैं जिससे ये PS2 की गेम्स नहीं चल सकती। बाकी हम फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा ऐसा एंड्रॉयड ओएस आएगा जिसमें ये गेम चलेगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो ऊपर F/S था उसका मतलब क्या था। FPS मतलब कि FPS के बिना आपकी गेम चल ही नहीं सकती PS2 वाली। तो PS2 वाली क्या, कोई भी गेम आपकी FPS के बिना नहीं चल सकती। इवन तक कि जो आप अपने एंड्रॉयड ओएस में भी गेम्स खेल रहे हैं वो भी FPS के बेस पर चल रही है। अगर FPS नहीं आएगा तो आपकी गेम लैग होगी और आपकी गेम हो सकता है कि ओपन ही ना हो। दोस्तों मैं एक आपको बात बता दूं कि जब मैं अपने PC में खेलता होता हूँ AWS Smackdown Here Comes the Pain, तो जो हमारे पास FPS आता है वो होता है 100, मतलब कि 100 FPS पे ये गेम जो है स्मूथ रन करेगी। अगर आपके एंड्रॉयड एस में FPS जो है 50 भी आ जाए तो आपकी जो गेम है थोड़ी लैग होगी लेकिन अच्छे से चल पड़ेगी। दोस्तों ये FPS हमारे एंड्रॉयड एस में, मतलब कि मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो प्ले एप्लीकेशन है सबसे घटिया एप्लीकेशन लगती है मुझे PS2 की गेम्स चलाने के लिए। वैसे इसमें कोई PS2 की गेम्स नहीं चलती है, सिर्फ वायरल की हुई है कि PS2 की गेम्स चल पड़ती हैं, इसमें चल पड़ती हैं, कुछ नहीं चलती। मैंने अब तक जितनी भी गेम्स इसमें ट्राई की हैं कोई भी गेम इसमें नहीं चली है। मैंने गोड हैंड भी इवन तक की ट्राई की थी, वो 1GB की गेम है, 1GB की गेम इसमें स्टार्ट भी नहीं हुई। अभी तो ये हमने देखा था कि स्मैकडाउन पे स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था और मेरा एक व्यूवर है वो कह रहा था कि मेरे पास प्रोसेसर बहुत अच्छा है, रैम बहुत अच्छी है, तो मेरी गेम जो है नहीं चल रही। तो भाई नहीं चलेगी गेम जब तक आपके पास FPS बढ़िया नहीं आएगा। तो ये गेम सिर्फ आपके PC के लिए है, PS2 के लिए है। तो आप एंड्रॉयड पे इतना अत्याचार मत कीजिए, तो एंड्रॉयड पे इतना लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी मामूली गेम्स होती हैं जो आप खेलते हैं डेली लाइफ में वही इन्जॉय कीजिए, PS2 की गेम्स नहीं चल सकती। बस ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अब आपको गेम प्ले देखने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आपने मेरी बात पर ट्रस्ट करना है या आपने फिर से पंगा लेना, मतलब कि आपने डाउनलोड करके देखनी AWS Smackdown Here Comes the Pain। तो मैं नहीं चाहता कि आपका डेटा वेस्ट हो, मैंने तो अपना कर लिया। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई थी क्योंकि आपका डेटा वेस्ट ना हो और आप कोई गलत रास्ते पे मत जाएं और आपको जो 2GB है वो आपकी ख़राब ना हो, मेरी तो हो चुकी है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय।